हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टीचर डिप्लोमा मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं प्रेम मिश्रा आप लोगों को हर पर डे के अनुसार क्लासेस लेके आता हूँ पर डे नाइट में ही। तो आज मैं इस सेशन में आपको कनेक्शन जो आपका चल रहा था यूनिट टू, उसमें बहुत सारा पॉइंट डिस्कस हो चुके थे। आज हम कुछ ऐसे टर्म्स और पॉइंट के बारे में जानेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, भी होंगे, जो आपसे 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? आपसे 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे टर्म्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आपका एक ही कर्तव्य है यार, मैं मोटिव कब हूँगा बता। मुझे पैसे तो मिलते नहीं है, पैसे तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं कोचिंग से पैसा ले आता हूँ, कमा लेता हूँ खर्चा भर। मुझे सिर्फ यही मोटिव रहता है कि जिस बंदे को कॉलेज में पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, वह बंदा इस वीडियो को देखे, ताकि उसका जो है डीमोटिवेट नहीं हो पाए यार। मेरा एक ही देखिए, सबसे पहले आज जो टर्म्स जानेंगे हम, वो टर्म्स रहेगा मेरा एजप्शन ऑफ रिग्रेट। एजप्शन ऑफ रिग्रेट कहने का मतलब, एजप्शन मिस होता है मानना जी, तो रिग्रेट का जब भी हम कनेक्शन करेंगे मेंबर को, जब भी कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे रिग्रेट को, तो हम क्या क्या एजम करेंगे, क्या एजम नहीं करेंगे, आज इस पॉइंट में जानेंगे। देखिए यार, जितना एनर्जी के साथ मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, आप उतना एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। चलिए, तो ये एजप्शन ऑफ रिग्रेट जो होता है, वह रिग्रेट में क्या क्या है, हमें जूम करके चलेंगे उसके बारे में, हम इसे इस पॉइंट में जानेंगे जी। इस पॉइंट में हम जानेंगे कि क्या क्या हमें जूम करके चलेंगे, है कि ना। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि मेंबर जो हम यूज करते हैं, इस मेंबर मान लीजिए मेंबर यूज कर रहे हैं रिबेट को कनेक्ट करने के लिए, या मेंबर रिबेट से कनेक्ट होके एक रिजिड बॉडी बन गया, मतलब एक बॉडी बन गया। तो ये जो बॉडी बना है, ये जो प्लेट का निर्माण हुआ है, इस प्लेट को हमको रिजिड मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? रिजिड। सबसे पहला पॉइंट हुआ कि इस प्लेट को हम क्या मान लिए, रिजिड। अगला देखिए, इस प्लेट में ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है रिजिड है तो ठीक है, डिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर रेयर केस में लोडिंग के कंडीशन में लोडिंग लगेगा, लोडिंग के कंडीशन में अगर रेयर केस में क्या होगा, डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म मतलब हो गया इस तरह से सेव कर लिया, या मतलब टूट गया, तो उसको भी हम डिफॉर्म हुआ है लेकिन हम उसको क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे, यानी हम वैसा मान के चलेंगे कि वह क्या हुआ, रिफॉर्म नहीं हुआ है। आपके माइंड में गलत मैसेज क्या होगा, सर आप बोल रहे हैं एक तरह ये रिजिड है और एक तरह बोल रहे हैं कि यह रिफॉर्म नहीं हुआ है। तो कहते रिजिड है ठीक है, वो मेंबर क्या रिजिड है, लेकिन रेयर केस में लोडिंग के कंडीशन में अगर वो रिफॉर्म हो गया है तो उसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। अगला टर्म से मानते हैं कि अगर इसमें फ्रैक्शन लेस हो गया, यानी ये मेंबर को रिबेट को जो हॉल में डाल रहे हैं रिबेटिंग करने के लिए, वह हॉल क्या हो गया, फ्रैक्शन लेस हो गया, मींस वह स्लिप करने लगा, तो उस केस में भी हम इसको नेगलेक्ट करके चलेंगे। किसको भाई? तो फ्रैक्शन लेस को ये सब नेगलेक्ट नहीं करके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लाइफ में भी रियल केस होता है, आपके लाइफ में आता होगा कभी जब सारा पढ़ाई छोड़ दे, ऐसा मान नहीं आता पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन क्या पढ़ाई छोड़ दे, नहीं सोचो कि नहीं यार पढ़ना जरूरी। तो उसी तरह से नेगलेक्ट जो आप करके चल रहे हैं इस बात को, यहाँ भी कुछ नेगलेक्ट करने पड़ेंगे, तब मेंबर आपको कनेक्ट होंगे। तो बहुत सारा ऐसा केस आता है यार, कितना केस मतलब क्या सेटिस्फाई किया जाए, तो ये मेंबर क्या होगा, नेगलेक्ट किया जाएगा। उसी तरह से इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जब इसमें हम लोडिंग डाल रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, लोडिंग के अनुसार स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इस स्ट्रेस को भी हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया के अनुसार जो है वह स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इस स्ट्रेस को भी हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। अगला होगा कि इसमें लोडिंग के केस में लोडिंग जो लगा तो मेंबर में इनिशियल टेंशन स्ट्रेस आ गया, मतलब तनाने की प्रॉपर्टी आएगा, एरिया में जो तनाने की प्रॉपर्टी आएगा, इस एरिया में जो तनाने की प्रॉपर्टी आएगा उसको इनिशियली टेंशन स्ट्रेस बोलेंगे, इसको भी हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। अगला बोला है कि इस मेंबर में बहुत सारा ऐसा है, टेंशन स्ट्रेस आ जाए, या तो स्लिप कर जाए, या हाँ
इस मेंबर में जब भी हम रिबेट को डालेंगे तो वह कम्प्लीटली फिल होना चाहिए। ये नहीं ये कि अनकम्प्लीटली फिल हुआ हम रिबेटिंग कर दिए, नहीं ये कम्प्लीटली फिल होना चाहिए। देखिए क्या क्या एग्जम्पशन करेंगे ये आपको फोर मार्क्स से पूछेंगे, इसलिए आपको इंपॉर्टेंस फिर से बताते हैं कि इसमें हम बॉडी जो यूज करेंगे और रिजिट यूज करेंगे या एज्यूम करेंगे। दूसरा में कि इस बॉडी को जो लोडिंग के केस में अगर डिफॉर्म होता है उसको भी निगलेक्ट कर देंगे कि डिफॉर्म नहीं हुआ। अगला रिबेट को कम्प्लीटली फिल करेंगे, या अगला जब इसमें लोडिंग के केस में जब इसमें टेनिशियली टेंशन स्ट्रेस आएगा उसको भी निगलेक्ट कर देंगे। अगला कि जो इस बॉडी में जो लोडिंग के केस में स्ट्रेस जनरेट होता है उसको भी निगलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कि बॉडी जो होता है इसमें जो स्लीपिंग कंडीशन आएगा यानी कि फ्रैक्शन लेस के केस आएगा उस केस में भी इसको निगलेक्ट करके चलेंगे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम मेथड और रिबेट की ओर चलते हैं। चलिए आई हो आप इसको नोट कर लेंगे। अगला जो मेथड ऑफ रिबेट यूज कर रहे हैं तो वह भी आपको एग्जाम में इम्पोर्टेंस है, इसलिए एग्जाम में वो भी पूछते हैं। इसलिए आपको बताया थे पिछले सेशन में कि जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस आने वाला है, और आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो नेक्स्ट वीडियो से आपका क्या नजरता चलेगी। तो देखिए अब हम चलते हैं मेथड ऑफ रिबेट, मतलब हम रिबेट करेंगे कितने तरह से। मेथड ऑफ रिबेट होता है कि हम रिबेट करेंगे कितना तरह से। देखिए मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आपको गलत मैसेज नहीं जाए, फिर भी अगर आप गलत मैसेज ले लेते हो तो आप कमेंट किया करो यार। देखिए ऑनलाइन में यह होता है ना कि टीचर को पता नहीं चल पाता है कि स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम कहाँ है, क्लास में पता चल पाता है। तो आप कमेंट नहीं कीजिएगा, आप मैसेज नहीं कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम मेरे पास नहीं पहुँच पाया, तो सॉल्व कैसे कर पाएंगे उसके लिए आई एम सॉरी। आप कमेंट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता आप बोल सकते हैं। देखिए जो आपका मेथड ऑफ रिबेट है यानी कि जो हम रिबेट करेंगे वो तीन तरह से कर सकते हैं। रिबेट को हम तीन तरह से कर सकते हैं, एक तो हम मेथड के अनुसार कर सकते हैं, मेथड के अनुसार, एक तो अनुसार हम प्लेस के अनुसार कर सकते हैं, एक तो हम शेप के अनुसार कर सकते हैं। यानी जो मेंबर को रिबेट के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे वह तीन प्रकार के कर सकते हैं, मेथड के थ्रू, प्लेस के थ्रू और शेप के थ्रू। ठीक है जी, अब इस मेथड में भी दो तरह से हम कर सकते हैं जी। एक तो होता है हॉट ड्राइविंग मेथड, हॉट ड्राइविंग मेथड, कौन सा मेथड, हॉट ड्राइविंग मेथड, और एक होता है जी कोल्ड ड्राइविंग मेथड, कोल्ड ड्राइविंग मेथड। और इस प्लेस को भी दो तरह से कर सकते हैं जी, या तो शॉप में कीजिए या तो फील्ड में कीजिए। देखिए मेरा कहने का मतलब है, और शेप के अनुसार होता है, स्नैप शेप होता है जी, और फ्लैट शेप होता है जी, और स्पैरो शेप होता है जी। मतलब कहने का मतलब हो गया स्नैप फ्लैट स्पैरो में पेन होता है। ठीक है, देखिए मतलब रिबेट हम करेंगे जी मेनली तीन तरह से रिबेट करेंगे, कैसा, मेथड के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग और शेप के अनुसार। आपको जो एग्जाम में पूछेंगे और फोर मार्क्स में पूछेंगे, और इसमें पूछा भी है 2019 में, किसके अकॉर्डिंग कैसे पूछेगा, पूछेगा कि मेथड ऑफ रिबेटिंग अकॉर्डिंग टू मेथड, मतलब मेथड के अकॉर्डिंग लिखो, या तो लिखो प्लेस के अकॉर्डिंग, या तो लिखो शेप के अकॉर्डिंग। तो आपको जो 2019 में पूछा है जी और शेप के अनुसार पूछा है फोर मार्क्स में, यानी बोला था कि मेथड ऑफ रिबेटिंग लिखे अकॉर्डिंग टू शेप, आराम से शेप के अकॉर्डिंग मेथड ऑफ रिबेटिंग को लिखना था, इसलिए यार सेशन को मिस नहीं किया कीजिए। लेकिन मेथड को तीन प्रकार में डिवाइड किया गया, मेथड के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग। मेथड में दो तरह से रिबेटिंग कर सकते हैं जी, या तो आप होल्ड ड्राइविंग कर सकते हैं या तो आप कोल्ड ड्राइविंग कर सकते हैं। होल्ड ड्राइविंग क्या, कोल्ड ड्राइविंग क्या, हम आपको समझाएंगे। उसके बाद प्लेस के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग शॉप में कर सकते हैं जी, शॉप में, या तो आप कीजिए फील्ड में, शॉप में होता है दुकान में कीजिए, या तो आप फील्ड में कीजिए। दो तरह से आपको आते हैं रिबेट। अगला शेप के अकॉर्डिंग स्नैप रिबेट, फ्लैट रिबेट और पेन रिबेट। इस तरह से आपका रिबेट के तीन टाइप्स हैं, तीनों का दो दो टाइप्स हुआ। आप इसको नोट कीजिए, अगला हम चलते हैं एक एक करके और डिस्कस करेंगे।
आप इसका नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं मेथड के अकॉर्डिंग आपको रिवेटिंग करते हैं। तो आइए हम मेथड के अकॉर्डिंग रिवेटिंग करते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग जब भी पढ़ाते हैं के साथ पढ़िए यार। चलिए देखिए मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं रिवेट, तो इसमें था मेरा पहला जो था वो पहला था जी होट ड्राइवन मेथड। क्या था गाइस? होट ड्राइवन मेथड पहला था, होट ड्राइवन मेथड। देखिए जिस रिवेटिंग को रिवेट यानी कि जिस रिवेट को ड्राइव करने से पहले यानी हॉल में कम्प्लीटली फिल करने से पहले उसको रिवेट करने से पहले उसको एडिशनली टेम्परेचर देकर हीट देकर उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देना ही होट ड्राइवन मेथड कहलाता है। सीन समझेगा? जिस रिवेट को हॉल में फिल करने से पहले उसको हीट कर दिया जाए, हीट करने के बाद उसको फिल किया जाए, उसके बाद रिवेट किया जाए, उसको होट ड्राइवन मेथड के नाम से जानते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला चलते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट से आपको एग्जाम में पूछेंगे यार। सेकेंड टर्म था इसमें वो था सेकेंड क्या जी कोल्ड ड्राइवन था। देखिए इस मेथड में जो हम रिबेट का यूज करते हैं, रिबेट को हम जो हॉल में कम्प्लीटली फिल करते हैं वो हम करते हैं रूम टेम्परेचर पर। किस पे करते हैं? रूम टेम्परेचर पर। अब ये बताइए आप हमें कि रूम टेम्परेचर होता कितना है? 25 सेंटीग्रेड नॉर्मली होता है। यानी कि जिस रिबेट को हॉल में कम्प्लीटली फिल किया जाए रूम टेम्परेचर पे उसको बोलते हैं हम कोल्ड ड्राइवन मेथड से रिवेटिंग करना। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे या नोट कीजिए। हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं जो कि आपका था मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग। वो आप इसको नोट कर लिए थे। अब हम चलते हैं प्लेस के अकॉर्डिंग। प्लेस में भी डिसाइड किया गया है कि प्लेस में मतलब हम कैसे कैसे करेंगे रिवेटिंग करना। यार कोई खिलवाड़ी नहीं है, मेंबर फेल हो जाएगा तो आप पर रिस्क आएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू प्लेस ये जिस तरह से हम डायग्राम बना बना के आपको समझा रहे हैं आप उसी तरह से एग्जाम में अगर बनाइएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बंदे में दम है। देखिए प्लेस के अकॉर्डिंग हम दो भाग में डिसाइड किए थे जी। प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वह दो भाग में हम डिवाइड किए थे, किससे किसको? तो एक फील्ड में और एक शॉप में, यही किए थे ना। यानी कि प्लेस हम दो तरह से या तो शॉप में रिवेट कर सकते हैं या तो फील्ड में यानी खुली वातावरण में कर सकते हैं, खुली नेचर में कर सकते हैं। अब फील्ड में भी दो तरह से हम कर सकते हैं जी। कैसे कर सकते हैं? तो एक हो सकता है पावर ड्राइवन। देखिए पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट, पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट, और एक हम कर सकते हैं हैंड ड्राइवन रिवेट। शॉप में भी उसी तरह से हम दो तरह से कर सकते हैं जी। एक होता है पावर ड्राइवन शॉप रिवेट, और एक होता है आपका हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट। देखिए प्लेस के अकॉर्डिंग जो रिवेट करेंगे गाय वो हम दो तरह से करते हैं, जानते भी हैं। फील्ड में करेंगे या तो शेप में करेंगे, और शेप फील्ड में दो तरह से करेंगे, या तो हाथ से करेंगे या तो पावर ड्राइविंग से करेंगे। उसी तरह से शॉप में भी दो तरह से करेंगे, या तो हाथ से करेंगे या तो पावर से करेंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा कि हैंड ड्राइविंग, ये भी समझ में आ रहा होगा हैंड ड्राइविंग, लेकिन ये समझ में नहीं आता होगा पावर ड्राइविंग क्या। नहीं पावर ड्राइवन मतलब ऐसा इक्विपमेंट यूज किया जाता है जिसके थ्रू हम किसी ने मतलब देख पावर ड्राइवन एक ऐसा इक्विपमेंट का नाम होता है। नाम पावर ड्राइवन किसी का नाम नहीं, मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट के प्रकार होता है जिसके थ्रू हम रिवेट को उठा सके, मतलब हम डाउन से अप कर सके, मतलब उसको हम राइज कर सकते। तो राइज करने के लिए जो इक्विपमेंट का यूज किया जाता है वह इक्विपमेंट का नाम होता है पावर ड्राइवन।
कौन इक्विपमेंट का नाम होता है, पावर ड्राइव है। देखिए पावर ड्राइव में जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है जनरली जो होता है वह हाइड्रोलिक मशीन होता है या तो पैनोमीटर होता है, पैनोमीटर होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, हम एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए आपको जो हम बताए हम कि पावर ड्राइव है फील्ड रिवेट। देखिए जिस रिवेट को कम्प्लीटली हॉल में फिल किया जाए रिवेटिंग करने के लिए हाइड्रोलिक मशीन के थ्रू या प्लेनियोमीटर के थ्रू उसको हम पावर ड्राइव में फील्ड रिवेट करते हैं। यानी कि फील्ड में तो रिवेटिंग किए लेकिन हम किए हाइड्रोलिक मशीन के थ्रू, उसी को बोलते हैं पावर ड्राइव में फील्ड रिवेट। अच्छा ये बताइए ऑब्वियसली कि जब मशीन मतलब कोई चीज़ हम कोई वर्क मशीन से करते हैं, जैसे कंप्यूटर जितना एक्यूरेसी देता है उतना एक्यूरेसी उन्होंने दे सकता है, उससे ज़्यादा दे सकता है, लेकिन रेयर केस में ज़्यादा कंप्यूटर देता है। मतलब जितना ज़्यादा एक्यूरेसी मशीन देगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आप और हम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए जो इसका स्ट्रेंथ होता है एक्यूरेसी होता है मोर होता है एज कंपेयर टू हैंड के तुलना में। तो आप इसको समझिए, इसको नोट कीजिए और आगे हम चलेंगे। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो नेक्स्ट जो आपका था वह नेक्स्ट था जी पावर ड्राइव है नेक्स्ट था आपका पावर ड्राइव हैंड रिवेट। सॉरी यार, देखिए हैंड रिवेट फील्ड। देखिए देखिए जो आपका सेकेंड था वो था हैंड रिवेट फील्ड। मतलब फील्ड में हम रिवेटिंग करेंगे, दो या दो से अधिक मेंबर को कनेक्ट करेंगे रिवेट के थ्रू, लेकिन हाथ से रिवेटिंग करेंगे। मतलब रिवेट को उठाएंगे हाथ से, कम्प्लीटली हॉल में डालेंगे, उसको हम ठोकेंगे हाथ के थ्रू। मतलब जो भी काम हुआ हाथ से हुआ, इसमें क्या था जो भी काम हुआ था आपको मशीन से होता है हाइड्रोलिक मशीन या प्लेनियोमीटर से, इसमें जो होगा आपका हाथ से होगा। और सिंपल सा बात है, जब आप हाथ से खींचेगा तो आपका स्ट्रेंथ जो होगा इसके तुलना में कम होगा, इसलिए लेस एक्यूरेसी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी ले सकता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे, नोट कीजिए हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला जो आपका था जी, अगला जो था वह पावर ड्राइव में शॉप रिवर्ट था। मतलब हम मशीन के थ्रू ही करेंगे लेकिन कहाँ करेंगे, अभी फील्ड में नहीं करेंगे, अभी हम शॉप में करेंगे, मतलब दुकान में करेंगे। शॉप में करेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी देगा, मशीन से कर रहे हैं तो एक्यूरेसी तो दे ही रहा, लेकिन शॉप में करेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी देगा। मतलब एक्यूरेसी दो एक्यूरेसी मिल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छा देगा। अच्छा ये बताइए शॉप में एक्यूरेसी कहाँ देगा, फिलहाल में कहाँ देती, सोचे वाली बात है ना जी, फील्डवा में कहना चाहिए। अरे यार फील्डवा में नहीं देने के पीछे रीजन है कि फील्ड में आपका टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और बहुत सारा ऐसा डस्ट होते हैं, बहुत सारा ऐसा टर्न होते हैं जिसको आपको मैग्नीट्यूड ऐसा बहुत सारा ऐसा होता है कि आपको कमांड नहीं कर पाएगा। लेकिन शॉप होता वहाँ पर आपका टेम्परेचर के साथ साथ बहुत सारा मेंटेनेंस लिया जाता है, इसी कारण है कि इसमें जो एक्यूरेसी है वह ज़्यादा देता है। यानी कि मशीन के थ्रू रिवेट करेंगे लेकिन कहाँ करेंगे, शॉप में करेंगे। तो आप समझ लेंगे, इसको नोट कीजिए, अगला हम चलते हैं। चलिए अगला जो आपका था वो था पावर अगला था आपका हैंड ड्राइव है
हैंड ड्राइव एंड सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें थोड़ा एक्यूरेसी कम जता है। कैसे देख लीजिए, कैसे देखिए, हम शॉप में तो फिर शॉप में तो रिबेट करेंगे, मतलब शॉप में हम रिबेटिंग करेंगे। कहने का मतलब होगा कि शॉप में हम ठोक ठाक इसको करेंगे, हॉल में फिल करेंगे, लेकिन हाथ से थ्रू करेंगे। मतलब इसमें शॉप में ही वर्क होगा, लेकिन जो वर्क होगा वो हाथ के थ्रू होगा। सारा का सारा काम हाथ से करेंगे, उठाएंगे हाथ से, ठोकेंगे हाथ से। तो इसका सिंपली से बात है कि जो मशीनवा से करते जी उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होते, जो हाथवा से करते यानी हम करवाए ओकर स्ट्रेंथ थोड़ा कम होते। तो सिंपल सा बात है कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है जी वह लेस होता है। तो आई होप आप सुना दिए होंगे। आपके लिए अगला जो है बहुत ही वीआई है शेप के अकॉर्डिंग, तो आप इसको मिस ये दोनों याद करें या ना करें, शेप को याद कर लिया, क्योंकि 2019 में पूछा है। अबरी चांस आपकी हम आवारे, अबरी बार आपके बार भारी, इसलिए आप इसको नोट कीजिए। आई वो आप इसको नोट कर लिए जी। अगला जो आपका था सेफ रिबेट है, मतलब सेफ के अकॉर्डिंग रिबेट को डिसाइड किया गया है। तो आइए हम जानते हैं अगला जो है आपका वो सेफ रिबेट है, और ये जो आपका है वो बहुत ही वीवीआई है, और ये पूछा भी गया है 2019 के एग्जाम में। देखिए जो आपका है वह सेफ रिबेट है, और सेफ रिबेट में जो पहला आया था जी, वो पहला आया था कौन सा रिबेट आप बता सकते हैं? पहला जो आपका आया था वह स्नैप रिबेट था, यानी पहला जो आपका था वह था स्नैप रिबेट। देखिए स्नैप रिबेट है, यह रिबेट को बटन रिबेट भी बोला जाता है। कौन सा रिबेट? बटन रिबेट भी बोला जाता है, और इसको हाँ राउंडेड रिबेट भी बोला जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, यानी कि स्नैप रिवेट को बटन रिवेट के नाम से भी जानते हैं और राउंडेड रिवेट के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? देखें पहले ये जान लीजिए कि जानते हैं तो कैसे जानते हैं, रीजन के साथ समझिए। देखिए इसलिए जानते हैं कि इसका जो शेप होता है इस तरह से राउंड होता है, इस तरह से इसका शेप क्या होता है? राउंड होता है। इस तरह इसका शेप है गाइस वह ये क्या राउंड होता है, यानी कि इस तरह से जो इसका शेप है वह इसका शेप वह जो है वह राउंड होता है। इसी कारण है इसको बटन रिबेट के साथ साथ राउंडेड रिबेट भी जाना जाता है, यानी इस रिबेट को बटन रिबेट के साथ साथ राउंडेड रिबेट भी जाना जाता है। और इसका जो देखिए इसका जो अथी होता है जी, एक क्या है बताइए आप लोग, एक क्या है? डाया है। यह क्या है? डाया है। और यह जो होता है जी, यह जो डिस्टेंस होता है, ये कितना डिस्टेंस होता है ये भी जानना जरूरी है आपको। तो ये जो डिस्टेंस होता है जी, यहाँ से यहाँ तक 1.60 होता है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस जो है 1.60 होता है, यहाँ से यहाँ तक 1.60, तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो होता है 0.70। और 70 क्या समझे? देखिए इस रिबेट को पहले बटर रिबेट के साथ साथ राउंडेड रिबेट भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? कि इसका राउंड शेप होता है, इस तरह से राउंडेड शेप होते हैं, और इसका जो डाया होता है वह डी होता है, और इसका डिस्टेंस जो होता है मतलब जितना राउंडेड कितना होगा 1.60 होगा, जहाँ डी क्या है जी? डाया ऑफ रिबेट है। उसी तरह से जो एक्सट्रीम फाइबर से मीन फाइबर के बीच के डिस्टेंस होगा जी 0.70 होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए, और जब भी एग्जाम बनाएगा तो फिगर के साथ बनाइएगा, क्योंकि तीन वो क्वेश्चन बनाना है, तीन फिगर में थोड़ा थोड़ा लिख देना, चार नंबर आपको आराम से टेंशन फ्री होकर। स्नैप रिबेट हो गया। अगला जो आपका है जी वो पैन रिबेट है। पैन रिबेट में सिर्फ क्या है? इसका डायमेंशन चेंज हो गया, क्योंकि पैन नीचे आ गया, बस यही सिम अंतर है। और कुछ नहीं, अगला जो है आपका वो पैन रिबेट है जी। पैन रिबेट है, पैन रिबेट को हम पैन रिबेट है, यानी कि पैन रिबेट को हम स्ट्रक्चर स्टील वर्क में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? स्ट्रक्चर स्टील वर्क में, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में जब हम स्टील का यूज करेंगे तब हम इस रिबेट का यूज करेंगे जी। इस रिबेट का यह खासियत है, इसका जो शेप होता है वह इस तरह से शेप होता है। इस रिबेट का जो शेप है जी वह इस तरह से होता है, यानी कि पैन की तरह होता है। इस रिबेट का शेप जो है वह पैन की तरह होता है जी, इसीलिए इस रिबेट को बोला जाता है जी पैन रिबेट के नाम से जाना जाता है। इस रिबेट को पैन रिबेट के नाम से जाना जाता है। और इसका जो डाया होता है जी, इसका जो डाया होगा, ये डाया जो होता है वो
स्नैप में क्या था ऊपर था, इसमें 1.60 होता है यहाँ पे डाया, और इसका जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस जो होता है 0.70 होता है जी, और इसका जो ये होता है ए वाला इसका डाया होता है। पेन रिवेट आपका कंप्लीट हो गया, पेन रिवेट ए डाया होता है, ए और ए का डाया होता है, तो आप इसको नोट कीजिए। अगला हम जानते हैं आप, एक बचा है स्नैप रिवेट, पेन रिवेट, एक बचा है फ्लैट रिवेट। चलिए हम जानते हैं आपका जो लास्ट था जी वो था फ्लैट रिवेट। फ्लैट रिवेट क्या है इसके बारे में जरा जान लेते हैं। देखिए तीसरा जो आपका है वो तीसरा है फ्लैट रिवेट। देखिए ये जो फ्लैट रिवेट है ये टी शेप का होता है जी। ये फ्लैट रिवेट किस शेप का होता है, टी शेप का होता है। इसका जो यूज किया जाता है वो लिमिटेड स्पेस में किया जाता है, मतलब स्पेस जहाँ पर लिमिट रहेगा जी वहीं पर हम फ्लैट रिवेट का यूज करेंगे। देखिए उतना डिस्कस इसके नहीं करते, ऐसा बहुत छोटे छोटे पॉइंट इसमें क्या डिस्कस करना। तो जो फ्लैट रिवेट होता है इसमें लिमिटेड शेप मतलब लिमिटेड जो स्पेस रहते हैं, मतलब स्पेस लिमिट है, इससे ज़्यादा रिवेट नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, तो जिस सिचुएशन में हम फ्लैट रिवेट का यूज करेंगे। फ्लैट शेप के कारण टी शेप का होता है, इसके साथ साथ लिमिटेड स्पेस होता है। अब जरा इसका फिगर देखिए, इसका फिगर जो होता है वो फ्लैट शेप का होता है, मतलब कहने का मतलब जी इस तरह से होता है इसका शेप। फ्लैट रिवेट का शेप जो है फ्लैट रिवेट की तरह होता है, और इसका जो डाया होता है जी, इसका जो डाया होता है और डाया जो होता है वो आपका यहाँ से यहाँ तक इसका डाया डी होता है, यहाँ से यहाँ तक डाया डी होता है, और जो ऊपर होता है जी, ऊपर जो होता है वो होता है ऊपर जो है वो टू डी होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 0.35 डी है, जहाँ डी क्या है जी, डाया है। मतलब फ्लैट रिवेट का शेप इस तरह से होता है, या अप स्ट्रीम फाइबर से मीन फाइबर के बीच डिस्टेंस 0.35 होता है, या टू डी होता है, या डी होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज का सेशन आपका यहीं तरह है, ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम कि जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हम न्यूमेरिकल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।